जितिन प्रसाद का मुरादाबाद दौरा, बैठक और निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए कड़े दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। वह जितिन प्रसाद ने पौधारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जिसके बाद उन्होंने मुरादाबाद में बन रहे सोनकपुर ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द कार्य निपटाने के आदेश दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर जो भी योजनाएं हैं उनका संज्ञान लिया जा रहा है और जहां भी कमियां मिल रही हैं वहां अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। यूपी सरकार का जो वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है वो सिर्फ सियासत नहीं है बल्कि ग्रीन यूपी अभियान चलाया जा रहा है और सब जगह वृक्षारोपण करा जाएगा। इससे आगे की जो पीढ़ी है उसको बहुत फायदा मिलेगा। सर, आज मुरादाबाद आगमन हुआ है, अभी यहाँ पुल का भी निरीक्षण किया, इसके अलावा भी और भी कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे? मुरादाबाद तो खास प्राथमिकता रखता ही है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और यहाँ जो भी संपूर्ण विकास के कार्य हैं, खासतौर से हमारे विभाग के लोक निर्माण के, ये एक महत्वाकांक्षी योजना मुरादाबाद जनपद के लिए है जो यहाँ की जनता के लिए बहुत सुविधा के रूप में एक सरकार द्वारा तीव्रता से काम हो रहा है और जहाँ भी कोई कमियाँ हैं सख्त निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और समय सीमा पर जल्द से जल्द इस रेलवे ओवरब्रिज को कंप्लीट करें। और जहाँ तक और यहाँ मुरादाबाद आने का सवाल है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे वृक्षारोपण अभियान जो चल रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, एक कड़ी है, जो सोच है वो सिर्फ सियासत नहीं बल्कि समाज के हित के लिए जो काम हो रहे हैं, ग्रीन यूपी अभियान चलाया जाएगा और वृक्षारोपण होंगे जो पर्यावरण है उसकी देखभाल के लिए, जनता के दूरगामी परिणाम जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हैं उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार विशेष अभियान चला रही है।